sunflower cataract. ठीक है, दिस मॉर्फोलॉजी विच वी डिस्कस, दिस सनफ्लावर कैटेरैक्ट. सनफ्लावर कैटेरैक्ट किस तरह है? सूरजमुखी की तरह का ये है. इफ यू सी द सनफ्लावर, इट हैज अ वेरी लार्ज सेंटर एंड देन द पेटल्स दे गो आउटवर्ड्स. पेटल्स इसमें थोड़े छोटे हैं, बट यू कैन सी व्हाई दे कॉल इट अ सनफ्लावर कैटेरैक्ट. दिस इज अ सनफ्लावर कैटेरैक्ट. तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या है, हमारे लिए स्पेसिफिक है? आवर पेशेंट who has this typical history, always remember history, there will be a history. Patient, हमारे जो clinical setups में किन में common होती है intraocular foreign body या retained intraocular foreign body, किन में होती है? Welders में common होती है, electricians में common होती है, मजदूरों में common होती है, जो manual labor कहते हैं laborers, उनमें common होती है. These patients they it is common. So a foreign body आंख के अंदर जादू से नहीं आ जाती. देयर विल ऑलवेज बी अ हिस्ट्री ऑफ अ पेनिट्रेटिंग इंजरी. ठीक है, द पेशेंट विल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ पेनिट्रेटिंग इंजरी. इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी डू दीज एग्जामिनेशंस, अ सीटी स्कैन और अ अल्ट्रासाउंड ऑफ द आईआरओपी स्कैन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू दीज एग्जामिनेशंस, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हो सकता है फॉरन बॉडी रिटेन हो जाए. फॉरन बॉडी रिटेन हो जाएगी तो इट विल कॉज रिएक्शंस इन द आई, एंड दीज रिएक्शंस दे हैव देयर डिफरेंट appearances. In case of copper foreign body, हमें क्या मिलेगा? We will find a Kaiser Fleischer ring, which is a brown ring at the limbus. Limbus लिखा हुआ मैंने, इसको limbus कहते हैं. And we will form, we will see a sunflower cataract. ये हमें दो चीजें मिल जाती हैं. It's imperative कि हम investigations पूरी करें. What? How should we treat this patient? That is the question. हमने एग्जामिनेशन तो कर ली, हमें पता लग गया कि ठीक है फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है? फॉरेन बॉडी रिमूवल एंड कैटरैक्ट सर्जरी, दैट इज करेक्ट. एग्जैक्टली, आवर पेशेंट हैज अ कैटरैक्ट, वी नीड टू डू अ कैटरैक्ट सर्जरी. सो फेको फॉर कैटरैक्ट, सेकंड इज रिमूव एफबी फॉरेन बॉडी. स्टेरॉइड्स का इसमें एज सच रोल है नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक. आई विल स्टिल चेक दिस आउट, मैं इसको देख लेता हूँ. आपने एक अच्छी बात की, इंटरेस्टिंग बात की है. आई डोंट नो व्हेदर स्टेरॉइड्स आर यूज्ड, मैंने देखा है क्लिनिक में यूज होते हैं, स्टेरॉइड्स आर नॉट यूज्ड. और ट्रीटमेंट में भी हमारा मेन फोकस होता है फॉरेन बॉडी का रिमूवल. फॉरेन बॉडी रिमूवल के दो तीन प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. फॉरेन बॉडी एक तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक तो आपको पता है, दूसरा ये है कि फॉरेन बॉडी एंटीरियर कंपार्टमेंट में हो सकती है या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में. क्या मतलब है इसका? या फिर वो आयरिस के इर्द गिर्द हो सकती है, आयरिस के इर्द गिर्द एंगल पे पड़ी होगी, कॉर्निया के अंदर होगी, लेंस के अंदर होगी, या फिर वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यानी विट्रस के अंदर कहीं फंसी हुई है, रेटना में कहीं इम्पैक्टेड है, कोरॉइड में कहीं इम्पैक्टेड है. तो इस पे काफी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने तो मैन्युअली निकालना है ना फॉरेन बॉडी को. फॉरेन बॉडी को हम वेपराइज नहीं कर सकते, वी हैव टू पुल इट आउट इंटैक्ट. उसके लिए द सर्जरी इट्स वेरी इन्वेसिव. तो कौन सी सर्जरी है जो हम यूजली डिस्कस करते आए हैं पिछले सेशन में भी, जो हम कहते हैं अगर रेटना या विट्रस का कोई इशू हो, वट इज द सर्जरी विच वी? There are modalities. Surgery, the specific surgery. Vitrectomy. PRP. That is. PRP नहीं करेंगे. PRP has a different use. We will inshallah discuss that in retina. We will perform a vitrectomy. Vitrectomy करके हम उस foreign body को उसके थोड़ा छेड़ेंगे, उसको करेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर छोटी है तो जिधर से हम vitrectomy कर रहे हैं हम उधर से remove करेंगे, वरना हम आगे से लेंस के अंदर सूचर बना के रिमूव करेंगे. आपको पता है विट्रेक्टमी क्या होती है पीपल? और आई शुड शो यू विट्रेक्टमी. विट्रेक्टमी का थोड़ा सा पता हो तो बेहतर है. जल्दी से मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ. जस्ट लेट अपलोड अपलोड होते हैं यहाँ पे. दिस विट्रेक्टमी जो हम अभी देखने लगे, राइट? दिस इज विट्रेक्टमी. तो ये पिक्चर अभी लोड हो रही है, इट हैज़न्ट लोडेड येट. Yes, okay, shukar. So, if you can see this image, look closely. Thodi si blur hai abhi, it hasn't fully loaded yet. But what we can see, there are three ports or three holes, three sclerotomies. One, two, three.
एक के अंदर से कटेच आता है, एक के अंदर से सक्शन जा रही है, तीसरे के अंदर से टॉर्च जा रही है ताकि अंदर भी थोड़ी लाइट मिले. वट वी डू, वी ट्राई टू रिमूव फॉरन बॉडी की फंसी हुई है उसको हम निकाल देते हैं, थोड़ा हिला हुलू देते हैं, उसके बाद उसका साइज देखते हैं. अगर साइज छोटा है तो हम इसी जो होल है, जो स्क्लेरोटमीज हुए हैं, इनके अंदर में, इनमें से किसी के अंदर से निकाल सकते हैं. अगर साइज बड़ा है तो फिर हम लिम्बस पर इंसिजन देते हैं और हम उसे पीछे से आगे लेकर आते हैं कॉर्निया तक और फिर बाहर निकालते हैं. तो दिस इज द मेथड विच वी यूज फॉर अ नॉन मेटेलिक फॉरन बॉडी. मेटेलिक फॉरन बॉडी का भी काम ऐसे ही होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट्स मेटेलिक, तो हम मैग्नेट के थ्रू उसे पुल कर सकते हैं. लेट से रेटना के अंदर फॉरन बॉडी पड़ी है, हमने एग्जामिनेशन की बी स्कैन परफॉर्म किया, और बी स्कैन जब हमने परफॉर्म किया हमने बाहर ही मार्क कर दिया मार्कर से कि इस जगह पर एक फॉरन बॉडी पड़ी हुई है corresponding to the sclera, इसके अंदर deep retinal foreign body पड़ी है. हम क्या करेंगे, हम एक magnet लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा incision लगा देंगे. फिर magnet के through हम manipulate करेंगे foreign body को ताकि वो incision से बाहर आ जाए, बाहर आ जाएगी और फिर उस incision को हम suture कर देंगे, उसको heal कर देंगे. उसी तरह ये तो retina में थी. अगर let's say के cornea या iris पे पड़ी हुई metallic foreign body, तब हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे एक suture कर लेंगे छोटा सा और कोशिश करेंगे उस मैग्नेट से उसको मैनिपुलेट करके हम बाहर निकाल दें और फिर उसके बाद होल को जिस तरह हीलिंग करनी है सूचर करना है अपनी उसकी मोडालिटीज है. तो दिस वाज अ कॉपर फॉरेन बॉडी. ऑलवेज रिमेम्बर देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन. और ये बहुत जरूरी है कि फॉरेन बॉडी छुपी हुई हो सकती है, एग्जामिनेशन पे नहीं नजर आती. अगर आपको फॉरेन बॉडी पिकअप हो जाती है बी स्कैन पे सीटी स्कैन पे, तो फिर आपने उसको रिमूव लाजमी करना है, यू कैन नॉट लीव इट. तो दिस वाज एक भाई जो सर्जरीज होती हैं ये इलेक्टिव होती हैं या फिर इमरजेंसी? ये जो सर्जरीज होती हैं इनको हम इलेक्टिवली परफॉर्म करते हैं या फिर ये इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स अंडर आती हैं? इमरजेंसीज ही परफॉर्म करते हैं क्योंकि रिएक्शंस जो है उन पे डिपेंड करता है. अगर सर्जिकल इमरजेंसी बन रही है तो मतलब लाजमी जरूरी करनी होती है. उस पर मैं आपको आता हूँ, वही मैं अभी डिस्कस करना चाह रहा था. अच्छा आपने पूछ लिया. क्लिनिकल सिम्टम्स एक क्लिनिकल डिसीजन है बेसिकली कि सर्जरी कब करनी है, कितनी जल्दी करनी है. जब वायलेंट रिएक्शंस होते हैं तो उसमें तो जल्द से जल्द जरूरी होता है कि हम निकालें इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी. इट्स वेरी एसेंशियल उसको निकालें वरना डैमेज बढ़ जाएगा. और अगर स्लो प्रोसेस है, इंडोलेंट प्रोसेस है, तो जरूरी नहीं है हम निकालें भी. तो इससे मैं दो चीजें आपसे वही डिस्कस करना चाह रहा था. पहला जो कॉन्सेप्ट है कि हर फॉरेन बॉडी को निकालना जरूरी है, और दूसरी बात कि रिएक्शन से होते क्यों है मेटल के केसेस में या फॉरेन बॉडीज में. तो पहले सवाल का जवाब ये है कि हर फॉरेन बॉडी को निकालना जरूरी नहीं है. आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन कुछ फॉरेन बॉडीज होती हैं जो बिल्कुल इनर्ट होती हैं, दे डू नॉट कॉज एनी रिएक्शन एट ऑल. वो इन पेनेट्रेटिंग इंजरी, इनिशियल इंजरी अगर हील हो जाए उसके बाद वो कोई गड़बड़ नहीं करती. तो इस तरह की फॉरेन बॉडीज को आप नहीं निकालते. सेकेंडली, आप उन फॉरेन बॉडीज को नहीं निकालते जिनको आपको पता है कि अगर हमने निकाला तो निकालने का फायदा कम होगा, निकालने से नुकसान ज्यादा होगा. कहने का मकसद ये है कि इफ देयर इज अ फॉरेन बॉडी एंड यू थिंकिंग वी वांट टू डू सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट फॉरेन बॉडी, सर्जिकल रिमूवल से आई की स्ट्रक्चर इतना डैमेज हो जाएगा एंड इट विल बी सो डिफिकल्ट कि आई की इंटेग्रिटी नहीं रहेगी, तो यू विल नॉट परफॉर्म अ सर्जरी, यू विल लीव दैट फॉरेन बॉडी इन इट्स प्लेस. तो देयर आर कंडीशंस व्हिच वी डू नॉट रिमूव द फॉरेन बॉडी. और ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए. इफ इट्स इनर्ट, इफ इट इज नॉट कॉजिंग एनी रिएक्शन, इफ देयर इज नो चांस ऑफ विजन बीइंग रिकवर्ड और स्टेबल है, फॉरेन बॉडी कोई इशू नहीं है. एंड थर्डली, if the surgery, the surgical procedure will cause more damage, it will cause more harm than it will cause good, we do not remove those foreign bodies. Agla sawal ye hai ki why do these metals, copper and iron, they cause these reactions? Ye thoda sa concept hai, ye aapne pathology mein padha hoga. So basically the thing is, ठीक है आपका कॉन्सेप्ट है, दैट्स गुड. आई एम गोइंग टू जस्ट राइट दिस डाउन. आप में से किसी ने पैथोलॉजी में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हुई तो कीप इसको पढ़ लेंगे. दिस इज अ वेरी गुड थिंग.
Penton's reaction, basically it produces free radicals. Those free radicals, they damage and they cause damage. So copper pe jab free radicals honge, jo produce honge, they will cause these damages. Unke saath ye hoga. So अब डिपेंड करता है कि फेंटन की जो मेटल है वो कितना प्योर है. जब आप कॉपर फॉरेन बॉडी की बात करेंगे या आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक रिएक्शन दिया होगा, लिखा होगा चालकोसिस. चालकोसिस क्या होता है? अब आपके इनमें जो चीज आनी चाहिए वो यही है कि कॉपर फॉरेन बॉडी है एंड इट कॉजेज दीज रिएक्शन, दिस इज चालकोसिस, दैट इज करेक्ट. This patient has chalcosis. Inko hai chalcosis. Chalcosis, it happens when copper is not pure. Iska kya matlab hai? It is present in an alloy. Alloy to aapko pata hai na kya hota hai? Bronze is an alloy. Copper or nickel ka alloy hai. Matlab different combinations mein hai. Chalcosis is a slow process which occurs when copper alloys, they are deposited inside the eye. Ab agar pure copper metal deposit hoga eye ke andar, tab kya hoga? We will have a type of a reaction which it will be similar to endophthalmitis. This was something which I should thought aapko pata hona chahiye. आप अपनी बुक्स में रीड कर लेना चालकोसिस कब होता है और कॉपर एंडोप्थेल्माइटिस कब कराता है. प्योर कॉपर विल कॉज एन एंडोप्थेल्माइटिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन एंड चालकोसिस इज कॉज्ड बाय ब्रॉन्ज और कॉपर व्हिच इज प्रेजेंट इन समवट लेसर अमाउंट्स और इट्स नॉट प्योर कॉपर था. उसी तरह आयरन भी अपने काम कराता है, उसको सिडरोसिस कहते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ सिडरोसिस, टाइम वैसे ऊपर हो गया और समझ भी मुश्किल आएगा. टेक अ लुक एट दिस पिक्चर. इस तस्वीर को आप बाद में बोर्ड में आके विजिट कर लेना, सिडरोसिस रीड करना और फिर देखना कि ये क्या डिस्क्राइब हुआ है इस पिक्चर में. आई थिंक यू विल बी एबल टू रीच द आंसर. वी विल इंशाल्लाह डिस्कस दिस नेक्स्ट टाइम. सो विद दिस वी आर एंडिंग.